26 जनवरी सभी को करना है, ठीक है। ये नहीं कि आगे पीछे सब लोग करें, एक साथ ही करना, ठीक है। और सब लोग जानते हो आज कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पहले निकलना चाहिए के दिन से, जब भारत गणतंत्र हुआ वैसे आपका संविधान स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन विधि दिवस मनाया जाता है, लेकिन पूर्णतः लागू किस दिन हुआ? 26 जनवरी 1950। तो आज वही दिवस है। तो आज गणतंत्र दिवस की बेला पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व, ऐसे पर्व है हमारे, कुछ पर्व ऐसे होते हैं हिंदू के होते हैं, मुस्लिम के होते हैं, सिख के होते हैं, ईसाई के होते हैं, लेकिन ये ऐसे पर्व हैं जिनको राष्ट्रीय पर्व कहा गया है। यही तो है और देशों में और भारत में फर्क, हमारे यहाँ विविधता में एकता का नारा दिया जाता है। इसमें किसी का भी कोई पर्व नहीं, सभी पर्व सभी के हैं, पूरे भारत वर्ष का ये पर्व है जिसमें सभी लोग एक साथ मिल करके सम्मिलित रूप से इस पर्व को मनाते हैं। तो चलिए सभी लोग एक साथ इसको सेलिब्रेट करें। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अंबुज सर से, अंकुश सर से और राघव सर से कि वो आए और ध्वजारोहण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। इसके बाद ही चल रहा है ऊपर ही गिर गए। विश्राम साधन राजदान प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल भंग, हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, दारे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे। राघव सर स्मार्ट लग रहे हैं आज, भैया फोटो ले लो। एक एक फिर से दो हमारा वतन, ये हमारा वतन आज आजाद है, देश का हर चमन, देश का हर चमन, ये तिरंगा हमारे वतन की है शान, इसके साए में पलते हैं वीरो जवान, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। बस ये देखिए भावनाएं ही होती हैं जो अपने आप निकल आती, जिसको जो कहना है वो अपने आप निकल आती भावना, उनको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे एक डांस करने वाला जब व्यक्ति होता है उसके सामने डीजे सॉन्ग चल जाए, पैर नहीं रुकते ना, सभी तरीके का हमारा संविधान सबसे अलग है,
वाकई में ऐसे नहीं कहा जाता है सारे जहां से अच्छा यहां पर वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, यहां पर वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, यहां पर विविधता में एकता की नीति है, यहां पर सभी धर्म एक समान है, सभी जातियां एक समान है, सभी एक समान है। तो जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, अपने संविधान को देखोगे, तो आपको वाकई में पता चलेगा कि कितनी मेहनत से यह संविधान बनकर तैयार हुआ था और बहुत ही लचीला संविधान है और सभी के लिए मिलकर संविधान। ऐसे ही नहीं भारत को, मतलब चाहे किसी भी कंट्री का देख लीजिए आप संविधान उठा करके, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, लेकिन अपने यहाँ बहुत ही अच्छे रूल्स, ठीक है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कभी भी कोई भी पर्व पड़े, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो या कोई भी पर्व हो, तो उसके बारे में एक बार हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि ये क्यों मनाया जा रहा है और कैसे और इसका क्या महत्व है पूरा का पूरा। आज का जैसे पर्व था तो इसमें संविधान के बारे में पूरा आज, और आप सभी लोग कंपटीशन के ही छात्र हैं तो पूरे संविधान के क्वेश्चन अपने प्रिपेयर करिए आप लोग अच्छे से, कि कभी भी एग्जाम में आए छूटे ना। अब बस एक आग्रह है सभी लोगों से कि जो भी आना चाहे यहाँ पर मंच पर, बहुत सारे लोग होते संकोच करते हैं आने के लिए, लेकिन देखिए जो ये, भी आना चाहता है लेकिन पढ़ाई चालू नहीं तो देखिए यहाँ पर आना स्टार्टिंग बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत ही डर उनको लगता है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन डरना नहीं है आप। जीवन में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कहीं किसी किसी भी सर्विस किसी डिपार्टमेंट में